हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है समय से पहले ही झिल्लियों का फटना। हम यहाँ पे एमनोटिक सैक की बात कर रहे हैं, जिसमें एमनोटिक फ्लूइड रहता है और बेबी उसमें फ्लोटिंग करता है। तो जो ये झिल्लियों का फटना है, ये किस वजह से होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो रिलेटेड टू प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम कहते किसको है। तो देखिए, जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसकी प्रेगनेंसी का जब टर्म पूरा हो जाता है और उसकी डिलीवरी होने वाली रहती है, लेकिन लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो ट्रू लेबर पेन के सिम्टम्स होते हैं, उनको अपियर होने से पहले ही अगर ये मेम्ब्रेन टियर हो जाती है, जिसको हम एमनोटिक सैक कहते हैं, अगर वो मेम्ब्रेन फट जाती है, पानी की थैली फट जाती है, तो उसी को हम कहते हैं प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसका सिंपली टर्म्स आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्री मेच्योर। प्री मेच्योर का मतलब ही होता है समय से पहले। रप्चर मीन्स किसी चीज का फटना, किसका, मेम्ब्रेन का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि समय से पहले मेम्ब्रेन का फटना। तो ये दो तरह की होती है, फर्स्ट होती है PROM एंड सेकेंड होती है PPROM। ये दो तरह की होती है। अगर यहाँ पे हम रोम की बात करें, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें, तो हम कब कह सकते हैं, अगर आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पर टर्म देखिए 36 वीक दिया है, तो अगर प्रेगनेंसी को 36 वीक हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म डिलीवरी बोलते हैं। तो यहाँ पे टर्म तो जो जेस्टेशनल एज है वो क्या है, टर्म पे है, लेकिन जो ट्रू लेबर पेन होता है वो इसमें स्टार्ट नहीं होता है। ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने के पहले ही जो झिल्ली है वो फट जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब टाइम अभी पूरा नहीं हुआ था, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन समय से पहले ही झिल्ली क्या हुई, फट गई। और ये कब हुआ, आफ्टर 36 वीक। टर्म पूरा है लेकिन क्या हुआ कि झिल्ली पहले ही फट गई। नेक्स्ट क्या है, प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें एक वर्ड जुड़ गया है प्री टर्म। प्री टर्म का मतलब ही होता है कि टर्म से पहले, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिफोर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि 36 वीक की प्रेगनेंसी से पहले ही, पहली बात इसमें है कि बिफोर 36 वीक, मतलब अभी टर्म भी नहीं हुआ है, जो जेस्टेशनल एज हमको एट टर्म के लिए चाहिए वो 36 वीक कम्प्लीटली चाहिए, लेकिन यहाँ पे 36 वीक अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो ये हो गया क्या, प्री टर्म। मतलब समय से पहले 36 वीक की प्रेगनेंसी से पहले ही क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्री टर्म क्यों, क्योंकि 36 वीक से पहले, और प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन समय से पहले ही झिल्लियों का फटना। तो ये दो टाइप्स हैं किसके, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो जो PROM है ये 1% फीमेल में देखा गया है, और जो PPROM है ये 3% फीमेल में देखा गया है। तो हम देख लेते हैं इसके कॉजेज की, जो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो अगर हम इसके कॉजेज की बात करें तो फर्स्ट है इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब मोर देन वन बेबी। मतलब अगर किसी भी फीमेल की ट्विंस प्रेगनेंसी है, जुड़वा बच्चे हैं उसको, तो मे बी चांसेस है उसको कि प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। सेकेंड इसका कॉज है ग्रांड मल्टी पैरा। मतलब ग्रांड मल्टी पैरा का मतलब होता है मोर देन 5 डिलीवरीज। मतलब अगर किसी भी फीमेल की 5 बार से अधिक बार डिलीवरी हुई है, तो उन फीमेल्स में चांसेस होते हैं प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के। थर्ड इसका कॉज है UTI, मींस कि अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है फीमेल को, तो मे बी उसको चांसेस हैं कि उसको PROM हो सकता है। फोर्थ इसमें कॉज है GTI, मतलब जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी भी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से भी उसको प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिससे जो मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या होती है, इन्फ्लाम हो जाती है, और पैथोजेंस की वजह से वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और फिर वो टियर हो जाती है। तो जैसे जो GTI है, इसमें जैसे कुछ डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं निजेरिया गोनोरिया या फिर ट्राइकोमोटाइटिस या फिर क्लेमाइडिया, तो ऐसी जो डिजीज होती है इसमें जो
पैथोजेंस होते हैं इनकी वजह से भी क्या होता है कि मेम्ब्रेन समय से पहले ही रप्चर हो सकती है, ये इसका कॉज है। फिफ्थ है इसमें प्री टर्म बर्थ, मतलब कि अगर किसी भी फीमेल की ऐसी डिलीवरी हुई है जिसमें उसने बच्चे को समय से पहले ही जन्म दिया है, मतलब उसकी प्री टर्म डिलीवरी है, तो मे भी उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं PROM होने के, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। सिक्स है इसमें नेचुरल वीकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि जो एमनियोटिक सैक की मेम्ब्रेन है अगर उसमें नेचुरली तरीके से वो क्या है कमजोर है। कभी कभी कहते हैं डॉक्टर्स ना कि आपका जो गर्भाशय है वो बहुत कमजोर है या फिर जो गर्भाशय की झिल्ली है वो बहुत कमजोर है, तो यही होता है कि जो नेचुरल प्राकृतिक जो रचना होती है उसके अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से वो बेबी का जो वेट होता है उसको होल्ड नहीं कर पाती हैं, वो टियर हो जाती हैं। तो वही यहाँ पे दे रहा है नेचुरल वीकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब अगर प्राकृतिक तरीके से ही जो मेम्ब्रेन है वो वीक है तो मे बी इसमें प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। पॉइंट है इसमें क्वाइटस, मीन्स कि जब फीमेल को थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए डिलीवरी का तो उस समय उसको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा करती है तो मे भी उसमें प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के केसेस हो सकते हैं। जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्वाइटस को अवॉइड करना रहता है। एट है इसमें पॉलीहाइड्रामिनास, मतलब पॉलीहाइड्रामिनास का मतलब होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूड होता है उसका ज्यादा होना, अगर एमनियोटिक फ्लूड मोर देन 1000 ml हो जाए तो इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रामिनास। यहाँ पे एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ऑलिगोहाइड्रामिनास, तो ऑलिगो में क्या होता है पानी कम हो जाता है, पॉली में क्या होता है पानी अधिक हो जाता है। हाइड्रा शब्द लगा है, हाइड्रा का मतलब होता है रिलेटेड टू वाटर, तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर पॉलीहाइड्रामिनास है जो एमनियोटिक फ्लूड होता है अगर वो अधिक हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाइन्थ इसमें पॉइंट है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, तो जो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है इसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, सर्वाइकल मसल्स वीक होने की वजह से वो बेबी के वेट को होल्ड नहीं कर पाती हैं और जो मेम्ब्रेन्स होती है वो टियर हो जाती है, तो ये भी एक कॉज है प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का। टेंथ है इसमें माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को छोड़ के अगर कोई दूसरा प्रेजेंटेशन है तो इसको हम माल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं माल प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑक्सीपिट होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, लेकिन अगर इसके अलावा जो बेबी है उसका अगर फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो इसमें क्या होगा इसको हम माल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये टाइप्स दिए गए हैं कॉजेज के इनमें से अगर कोई भी है तो मे बी फीमेल को प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।